नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक के वाई टेक्निकल बिहार पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आईटेल के कीपैड फोन में कॉल डायवर्ट कैसे करते हैं, मतलब कॉल फॉरवर्डिंग कैसे करते हैं इसके बारे में। दोस्तों आपको क्या करना होगा, दोस्तों सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों इस तरह से ओपन हो जाएगा। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कॉल सेटिंग का। कॉल सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे ऊपर में एक ऑप्शन मिल रहा है कॉल डायवर्ट। कॉल डायवर्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं दोस्तों फॉरवर्डिंग अनकंडीशन फॉरवर्डिंग अनकंडीशनल बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे। जैसे कि आप लोग को कॉल फॉरवर्डिंग करना है, फॉरवर्डिंग करने के लिए दोस्तों यहाँ पे इस वाले बटन को ओके कर देंगे। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक्टिव का बटन दिख जाएगा, एक्टिव पे क्लिक करके ओके कर देंगे। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पे डाइवर्ट टू नंबर, नंबर पे डाइवर्ट कीजिएगा तो यहाँ पे नंबर डाल के और दोस्तों यहाँ पे नंबर डाल के ओके कर दीजिएगा तो कॉल डाइवर्ट हो जाएगा। और दोस्तों इसको कॉल डाइवर्ट प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, मतलब कैंसिल करने के लिए यहाँ पे नीचे में एक बटन दिख जाएगा कैंसिल ऑल डाइवर्ट। इस पर क्लिक करके ओके कीजिएगा तो दोस्तों जितना भी कॉल डाइवर्ट रहेगा सब अपने आप कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ से स्टेटस भी चेक कर सकते हो आप लोग। यहाँ से देखिए दोस्तों कॉल फॉरवर्डिंग पर जैसे क्लिक करके यहाँ से स्टेटस देखिए, कॉल फॉरवर्डिंग पर क्लिक करके ओके पे क्लिक करके चेक स्टेटस, यहाँ पे चेक स्टेटस पे क्लिक करके स्टेटस देख सकते हो आप लोग। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बताएगा अभी। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है अभी किसी नंबर पे फॉरवर्डिंग नहीं है। दोस्तों इसी तरह से आप लोग कर सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।